Ladies and gentlemen. जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शराज है और आप लोग देख रहे हो शराजी कार्स। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ट्यूरा कंपनी के बारे में। आज के इस वीडियो के अंदर ट्यूरा फैंस के लिए एक बुरी खबर है। वो बुरी खबर ये है कि ट्यूरा कंपनी ने अपनी हर गाड़ी की कीमतें ज्यादा कर दी है। स्पेशली उन गाड़ियों की कीमतें ज्यादा की है जो पाकिस्तान में वो संभल कर रहे थे। इनमें ट्यूरा यारस, ट्यूरा करोला, ट्यूरा रिवो और ट्यूरा की फॉर्च्यूनर भी शामिल है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ट्यूरा करोला और ट्यूरा यारस की नई कीमतों के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप लोग इन नई कीमतों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को ऑल पे कर दें ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले ट्यूरा करोला के बारे में। तो ट्यूरा करोला का जो सबसे पहले बेस वेरिएंट आता था पाकिस्तान के अंदर, जो कि 1.6 था और मैनुअल ट्रांसमिशन थी, उसकी जो पहले कीमत थी वो थी 33,80,000। और ट्यूरा करोला का जो सबसे हाई एंड वेरिएंट था जिसका नाम ट्यूरा करोला अल्टस ग्रैंडी एक्स 1.8 ब्लैक इंटीरियर जो था, उसकी जो पहले कीमत थी वो थी 42,00,000। तो ये जो कीमतें हैं ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताएंगे ताकि आप लोगों को नई कीमतों के जानने के पता चल जाए कि गाड़ियों की कीमतें कितनी ज्यादा हुई हैं। तो ट्यूरा करोला 1.6 मैनुअल ट्रांसमिशन की अभी जो नई कीमत है वो है 37,49,000। इसके बाद ट्यूरा करोला 1.6 ऑटोमेटिक की जो नई कीमत है वो 39,29,000। उसके बाद आप लोगों को पता है कि 1.6 का एक स्पेशल एडिशन भी आया था जिसकी जो नई कीमत है वो है 43,09,000। और इसके बाद आ जाती है 1.8 सिंपल, इसकी जो नई कीमत है वो 43,00,000 है। और इसके बाद आ जाती है ग्रैंडी। तो ग्रैंडी के अंदर आप लोगों को दो वेरियंट मिलते हैं। तो इसका जो बेज इंटीरियर वाला वेरियंट है उसकी जो नई कीमत है वो है 46,49,000, और जो ब्लैक इंटीरियर वाला वेरिएंट उसकी जो कीमत है वह 46,79,000। तो ये थे इस गाड़ी की नई कीमतें। तो आप लोगों को पता चल गया गाड़ी की कीमतों में काफी ज्यादा इजाफा किया गया है। इस गाड़ी का जो बेस वेरिएंट उसकी कीमत तकरीबन 3,69,000 का इजाफा किया गया है, और गाड़ी का जो सबसे हाई एंड वेरिएंट था ब्लैक इंटीरियर वाला उसकी कीमत में तकरीबन 4,90,000 का इजाफा किया गया है। तो चलिए जी अब बात करते हैं ट्यूरा यारस के बारे में। तो ट्यूरा यारस का जो बेस वेरिएंट था उसकी जो पहले कीमत थी वो थी 26,12,000, और उसका जो हाई एंड वेरिएंट था उसकी कीमत तकरीबन 31,75,000 जो कि एक्टिव एक्स सीवीटी थी। तो अभी बात करते हैं इस कार्ड की नई कीमतों के बारे में। तो इस कार्ड का जो बेस वेरिएंट है जीएलए मैनुअल ट्रांसमिशन उसकी जो नई कीमत है वह 29,00,000, और उसके बाद जीएलए सीवीटी जो है उसकी जो नई कीमत है वह है 31,09,000, और उसके बाद जो एटी मैनुअल ट्रांसमिशन है उसकी जो नई कीमत है वह 30,59,000, और एटी सीवीटी की जो नई कीमत है वह 32,29,000, और उसके बाद जो एटी एक्स मैनुअल ट्रांसमिशन की जो नई कीमत है वह 32,79,000, और जो एंड पे एटी एक्स सीवीटी 1.5 जो है उसकी जो है नई कीमत वह 35,00,000। जी हाँ, 1,000 कम है लेकिन आप लोग 35,00,000 ही समझ लें। इस गाड़ी का भी जो बेस वेरिएंट उसकी कीमत तकरीबन 2,87,000 का इजाफा किया गया, और गाड़ी का जो सबसे हाई एंड वेरिएंट उसकी कीमत तकरीबन 3,24,000 का इजाफा किया गया है। तो आप लोगों ने देखा कि ट्यूरा करोला का जो सबसे हाई एंड वेरिएंट है उसकी कीमत तकरीबन 4,90,000 का इजाफा किया गया है, और यारिस का जो सबसे हाई एंड वेरिएंट उसकी कीमत तकरीबन 3,24,000 का इजाफा किया गया है, जो कि मेरे ख्याल से काफी ज्यादा है। तो अगर लास्ट प्राइस भी देखी जाए जो कि जनवरी के अंदर इंक्रीज हुई थी तो तब डॉलर की जो वैल्यू थी वो तकरीबन 176 थी, लेकिन अभी जो है वो तकरीबन 180 है, जो कि तकरीबन 5-6 रुपए का इजाफा हुआ है, जो कि अगर परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए तो तकरीबन 3-4% ही बनेंगे, शायद उससे भी कम बन जाए। लेकिन अगर गाड़ियों की कीमतों में इजाफा देखा जाए तो वो तकरीबन 10-15% इजाफा है, जो कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि ट्यूरा कंपनी ने कौन सा कैलकुलेटर यूज किया जिससे उन्होंने गाड़ियों की प्राइस ज्यादा की है। तो अगर आप लोगों को उस कैलकुलेटर का पता है तो मुझे भी उस कैलकुलेटर का बता दीजिएगा ताकि मैं उस कैलकुलेटर को यूज करके आप लोगों को प्राइसेस का बता दूं कि कैसे इजाफा किया गया, क्योंकि फिलहाल तो मुझे नहीं समझ आ रही। तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार करूंगा। तो ये था आज के वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।